हाँ जी, क्वेश्चन नंबर टू है, यहाँ लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन टू कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। टू कॉलम कैश बुक बनानी है जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी, एंड ऑल्सो पास द जर्नल एंट्री। ओहो, कह रहे कि एंट्री बना के दिखाओ। हालांकि देखो, एंट्री बनाने के लिए वही रूल अप्लाई करना है, एंट्री आप इजिली बना लोगे। मेन तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं मेरे बेटा जी, टू कॉलम कैश बुक की बात करेंगे। तो देखो मेरे बेटा जी, टू कॉलम कैश बुक है और यहाँ पे लिखा है चंदर कमेंस बिजनेस। तो देखो मेरे बेटे जी, यहाँ पे सबसे पहले मिड ऑफ द पेज, जल्दी से लिख लो मिड ऑफ द पेज। क्या लिखोगे? ये थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इन दी बुक्स ऑफ, चंदर का बिजनेस है, इन दी बुक्स ऑफ चंदर। मैं तुम्हें क्या बनाना सिखा रहा हूँ? कैश बुक, क्लियर है? और क्या कर देना मेरे बेटा जी, इसका सेंट्रल पार्टीशन कर देना। क्या कर देना? सेंट्रल पार्टीशन मतलब पेज को बीच में से मोड़ देना, सेंट्रल पार्ट कर देना, बराबर बराबर होने चाहिए। जो आपका लेफ्ट वाला है वो डेबिट और जो राइट वाला है वो क्रेडिट, क्लियर है? टू कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हो। तो देखो मेरे बेटा जी, देखो ये हुआ, ये हुआ डेट, ये हुआ पर्टिकुलर, ये हुआ LF लेजर फोलियो, क्योंकि जनरल का पार्ट है ये थोड़ा मोटा बन गया, थोड़ा पतला कर लेते हैं। ये हो गया LF, ये हो गया कैश वाला कॉलम, ये हो गया बैंक वाला कॉलम। डबल कॉलम की बात हो रही है ना? चलो जी, नीचे तक पूरा कर देते हैं इसे। ठीक है, सिमिलरली यहां पर फॉर्मेट ड्रॉ कर दो। ये हुआ डेट, ये हुआ पर्टिकुलर, ये हुआ LF, ये हुआ कैश, ये हुआ बैंक। डेट पर्टिकुलर LF, एशिया बैंक। डेट चलो जी, क्या लिखा है मेरे बेटा जी, 2020 पैसे का आना पैसे का जाना देखना, डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट। तुम्हें पता होगा यहाँ पे क्या, 2020 जनवरी की पहली तारीख। क्या लिखा है? चंदर कमेंस बिजनेस विथ कैश, चंदर ने बिजनेस शुरू किया है। क्या लगाकर? पैसा लगा के। सोचो, चंदर ने बिजनेस शुरू किया है, खुद को बिजनेस मानो, चंदर है मालिक। अगर मालिक बिजनेस शुरू कर रहा है तो मालिक हमें क्या दे रहा है? चंदर पैसा दे रहा है। तो मेरे बेटा, ईवी का पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, ये बताओ। आ रहा है सर, ईवी का और कौन आया फिर ईवी का के नाम से? वो मैं ही हूँ अंदर, ले लो उसे, लैपटॉप से कर रही हूँ, फोन की चार्जिंग खत्म हो गई। अच्छा ठीक है, तो यानी कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो क्या कर दोगी? डेबिट। डेट क्या दे रखी है मेरे बेटा जी? 2020 जनवरी की पहली तारीख दे रही है। यहाँ लिखोगे 2020 जनवरी की पहली तारीख, पैसा आ रहा है, ठीक है ना? आपको पता है डेबिट में क्या लिखते हो? टू, और क्रेडिट में क्या यूज करते हो? आप सभी को पता है बाय, क्लियर है? इसे टू साइड और बाय साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड भी कहते हो, ठीक है? पैसा कौन दे रहा है? मालिक। और मालिक द्वारा लगाया गया पैसा क्या कहलाता है मेरे बेटा जी? कैपिटल। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? कैपिटल अकाउंट। हाँ जी। कितने रुपए? कितने रुपए बोलो? 20 लाख रुपए लगाए हैं भैया चंदर ने, तो कैश में लिख दो
20 लाख रुपीस। अच्छा जी, अगर ऐसे क्लियर नहीं होता तो ऐसे क्लियर कर लो। लो जी, मैं जनरल बना के बात करता हूँ, तुम सभी को पता होगा, अगर मैं तुमसे एंट्री बनाऊँ January 1 की, तो तुम एंट्री क्या बनाओगे? भैया हम हैं बिजनेस, मालिक हमको पैसे दे रहा है, तो मालिक कौन हो जाता था? गिवर। हम हो जाएंगे रिसीवर, हम खुद को रिसीवर कभी नहीं मानेंगे, ठीक है? मालिक हुआ गिवर और मालिक को कर देगी क्रेडिट, लेकिन मालिक को किस नाम से क्रेडिट करते थे? कैपिटल के नाम से। पैसा आता था तुम क्या बोलते थे? डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है कम्स इन, गोस आउट, कुछ जा नहीं रहा, ना खर्चा है ना इनकम है। 20 लाख 20 लाख। अब देखो यहाँ पर जो कैश के अंदर एंट्री होगी वो कैश वाली और बैंक वाली एंट्री होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कैश कॉलम है और बैंक कॉलम है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ वही एंट्री आएंगी, या तो पैसा आ रहा हो या पैसा जा रहा हो। अब ये एंट्री कौन सी है? कैश वाली है। कैश क्या हो रहा है मेरे बेटा? सही बच्चे बोलो, कैश क्या हो रहा है? डेबिट। तो मैं दौड़ा दौड़ा भागा डेबिट भागा कहाँ आया? कैश के डेबिट में आया, कैश के डेबिट में आ गया। बात क्लियर हो गई? और मैंने कैश को कर दिया डेबिट, नाम क्रेडिट वाले का। क्या ऐसा कुछ मैंने सिखाया था पोस्टिंग वोस्टिंग के नाम से? बोलो, यस सर। ये बिल्कुल सेम वही ड्रामा है। देखो या तो तुम्हें एंट्री क्लियर हो, तुम मन में एंट्री बनाओ और उठा के पेल दो यहाँ पर, और नहीं तो जिनको एंट्री की आदत हो चुकी है ना, एंट्री घोट के पी लिए जिन बच्चों ने, वो तो डायरेक्ट लपेटना शुरू कर देंगे अब। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पर दे रखा है January 3, देखो क्या लिखा है, ही पेड इनटू बैंक करंट अकाउंट, ही पेड इनटू बैंक करंट अकाउंट। अब इसका मीनिंग समझो, ही पेड इनटू बैंक करंट अकाउंट, ये January 3, January 3 बैंक करंट अकाउंट। मैंने आप सभी को बताया था, अगर इविका, इब्रा, कनक, आयुष, स्पर्श या फिर हनी, अगर तुम बैंक में जाओगे, तुम बैंक के अंदर पैसा जमा, मतलब बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाओगे, तो बैंक वाला तुम्हें बचत खाता खोल के देगा, दैट इज सेविंग्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करके देगा? सेविंग्स अकाउंट ओपन करके देगा बैंक वाला तुम्हें। क्लियर है? लेकिन वही अगर मैं बोलूंगा मेरा बिजनेस है एवी स्मार्ट स्टडी प्राइवेट लिमिटेड, मुझे इसके नाम से अकाउंट ओपन करवाना है, तो बैंक वाला क्या करके देगा? मुझे करंट अकाउंट ओपन करके देगा। पर जितने भी बिजनेस के नाम पर अकाउंट ओपन होते हैं ना, उन्हें करंट अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? करंट अकाउंट कहते हैं। तो कह रहे हैं अकाउंट ही पेड इनटू बैंक करंट अकाउंट, ही पेड इनटू का ही यानी कि चंदर, चंदर यानी कि मान लो चंदर का बिजनेस, चंदर के बिजनेस ने बैंक में पैसा जमा करवाया, यानी कि ऑब्वियस ही बात है ना, बैंक अकाउंट ओपन करवाया होगा। तो जब बैंक के अंदर पैसा जमा कराएंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जिनको एंट्री क्लियर नहीं है वो इस तरीके से समझ लो मेरे बेटा जी, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक हो गया रिसीवर, डेबिट रिसीवर, हम गिवर हुए, मानेंगे नहीं, कुछ आने रहा, पैसा जा रहा है, क्रेडिट वॉट गोस आउट, तो बैंक अकाउंट सर, डेबिट। हाँ बोलो। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा? यहाँ पे टू कैपिटल कैपिटल अकाउंट अकाउंट, नहीं, क्या कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ ठीक पे है सर। कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। क्लियर है? ही पेड इनटू, यहाँ पे ये नहीं लिखा ना कि मालिक, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट तब आता है जब ये लिखा होता कि मालिक ने अपनी सेविंग से पैसा डाला है, तो यानी कि मालिक अपना पैसा डाल रहा है। यहाँ पे तो ये है कि मालिक ने पहले 20 लाख डाल दिए बिजनेस में, फिर 20 लाख में से 19 लाख उठा के बैंक में जमा करवा दिए। बात क्लियर हो गई? ठीक है यस सर। चलो जी। तो मेरे बेटा क्या हो गया? याद है तुम, मैंने क्या बताया था, इस एंट्री को क्या कहते हो? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या नाम दिया था हमने? कॉन्ट्रा, इनकी वो एंट्री जहां पर बैंक और कैश में एक साथ इफेक्ट पड़ रहा होता है। यहाँ पे अमाउंट दे रखी थी मेरे बेटे कितनी? 19 लाख 19 लाख। आ जाओ, बैंक हो रहा है डेबिट, बैंक को करेंगे डेबिट और कैश हो रहा है क्रेडिट। अच्छा बैंक डेबिट हो रहा है तो दौड़े दौड़े भागे भागे आओ, बैंक को क्या कर दोगे? डेबिट 19 लाख रुपए से। क्लियर ही नहीं है? और क्या लिख दोगे? क्रेडिट वाले के नाम, उल्टा लिखते हैं उल्टा, याद है ना, बैंक डेबिट हो रहा है कैश के नाम से January 3। अच्छा कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो कैश को कर दिया क्रेडिट, कितने रुपए से? 19 लाख। नाम लिख दिया बैंक, कैश क्रेडिट हो रहा है बैंक के कारण, डेट वही January 3। क्लियर है? और दोनों का लिख दिया सी सी सी, का मतलब हो गया कॉन्ट्रा। अब देखो यानी कि आप देख रहे हो ये दोनों आपस में सेम डेट में क्रॉस कर रही है, एक डेबिट और हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? यस अब सर। अब जैसे मैं बार बार जर्नल एंट्री बना रहा हूँ, तो अगर तुम्हें आदत पड़ जाएगी ना एंट्रियों की, तो तुम्हें जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। सीधे दिमाग में बनाओ एंट्री को, सीधे दिमाग में एंट्री बनाओ और सीधे यहाँ पर पेल दो, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। अब January 4 पढ़ो क्या लिखा है, ही रिसीव चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट, हमें चेक मिल रहा है कीर्ति एंड कंपनी से ऑन अकाउंट। चलो जी, अब एक बात और पढ़ो, January 4 के बाद January 7 पढ़ो क्या लिखा है, ही डिपॉजिट, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, ही डिपॉजिट इनटू बैंक,
इट वॉज इन टू बैंक कीटिंग कंपनीज चेक। हमने बैंक में चेक जमा कराया कब? जनवरी की 7 तारीख को। हाँ जी, अब मेरी बात एक बार समझना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे अमाउंट उड़ देख लेते एक बार मेरे बेटा। हाँ जी, 60,000 रुपये का चेक है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जरा एक बात को समझ लेना। अब मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, हरा कलर ले लेता हूँ। जनवरी 4, रिसीवर, गिवर, कम्स इन, गोज आउट, एक्सपेंस, इनकम। अब पता क्या है, जनवरी 4 में चेक आ रहा है, लेकिन वही चेक कहाँ जा रहा है? जनवरी 7 बैंक में जा रहा है। मुझे बताओ अब तक तुमने एंट्री क्या बनाई थी? अगर नॉर्मल एंट्री बनाते हैं कि भैया हमें चेक मिल रहा है, जनवरी 4 में लिखा है हमें चेक मिल रहा है कीर्तन कंपनी से, तो कीर्तन कंपनी हमें चेक दे रही है, तो कीर्तन कंपनी क्या बनती थी हमारे लिए? गिवर। और हम बनते थे रिसीवर, बट खुद को रिसीवर नहीं मानेंगे। क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है? आप बोलते थे हाँ चेक आ रहा है, पैसा आ रहा है। कुछ जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है जी। खर्चा है? खर्चा नहीं है, इनकम नहीं है, डन है। आप नॉर्मली एंट्री क्या बनाते थे यहाँ पर? आप बोलते थे कम, डेबिट में राइट कहाँ पर है? कम्स इन, कम्स इन। क्या आ रहा है? चेक। चेक का पैसा कहाँ आता है? बैंक में। तो तुम कहते थे बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे बोलते थे, नहीं बोलते थे? फिर बोलते थे क्रेडिट में राइट कहाँ पर? गिवर। गिवर कौन है मेरे बेटा जी? बोलो, कीर्ति एंड कंपनी। कीर्ति एंड कंपनी ये गिवर है। कितने अमाउंट है? 60। मेरे बेटे ऐसे लिखते थे नहीं लिखते थे ये बताओ फटाफट से, जल्दी बोलो हाँ ये ना लिखते थे भैया, यही करते थे? इवी का बोलो हाँ ये ना, यही करते थे? यस सर। ठीक है, लेकिन अब एक बात और समझो, जनवरी 7 को पढ़ो क्या लिखा है। ही डिपॉजिट इनटू कीर्तन चेक्स बैंक, ही डिपॉजिट इनटू बैंक कीर्तन कंपनी चेक। हमने कीर्तन कंपनी का चेक बैंक में कब जमा कराया? जनवरी 7 में। मुझे सिर्फ, सब बच्चे सोचना, अगर मैंने तुम्हें चेक दिया, समझ लो अगर मैंने तुम्हें चेक दिया है तो अभी चेक तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें उस चेक का पैसा कब मिलेगा ये बताओ? जब तुम वो चेक उठाओगे और बैंक में जमा करवा दोगे। बेटा बोलो हाँ ये ना, इब्रा बोलो हाँ ये ना। Yes, तुम्हें चेक का पैसा मिलेगा कब? जब तुम उस चेक को उठा के कहाँ जमा करवा दोगे? बैंक में जमा करवा दोगे। पर अभी तो चेक तुम्हारे हाथ में ही है, हाँ ये ना। तो देखो यहाँ पर वही वाली बात है, हमारे पास चेक कब आया? जनवरी 4 में आया, बट वो चेक हमने बैंक में कब दिया? बोलो, जनवरी 7 में दिया। तो पैसा किस दिन मिलेगा चेक से? जनवरी 4 को या जनवरी 7 को? बताओ, जनवरी 7 को। जनवरी 7 को। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? यहाँ पर बैंक डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि बैंक बैलेंस अभी बड़ा नहीं है जनवरी 4 में, पैसा बढ़ेगा जनवरी 7 में। बेटा बोलो आइए ना। तो यहाँ पर सर क्या एंट्री लगाएंगे? तो मेरे बेटा अगर कम्स इन पे राइट है तो तुम यहाँ पे लिख दोगे चेक इन हैंड। अब समझ लेना चेक इन हैंड कब यूज करना है। चेक इन हैंड तब यूज करना है जब चेक तुम्हारे हाथ में है पर तुमने बैंक में डाला नहीं है। अब जनवरी 7 में क्या होगा? अगेन जनवरी 7 में ये रूल लगाओ, रिसीवर, गिवर, कम्स इन, गोज आउट, खर्चा और इनकम। अब हमने क्या करा, जनवरी 7 में ये चेक उठा के बैंक में फेल दिया। तो भैया ये हमारे पास चेक जा रहा है और किसके पास? बैंक के पास। तो बैंक वाले कौन हो गए? रिसीवर। हम हो गए गिवर। मानेंगे नहीं, कुछ आ नहीं रहा, चेक जा रहा है, न खर्चा है न इनकम है, तो रिसीवर में कौन है? बैंक। तो क्या लिख देंगे? बैंक बैलेंस बढ़ेगा डेबिट व्हाट? कम्स इन, सॉरी डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट में राइट कहां पर है? गोज आउट। क्या जा रहा है? चेक इन हैंड टू, चेक इन हैंड। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है? हाँ बेटा बोलो हाँ ये ना। यस सर। क्लियर है ना मेरी बात? क्लियर हो रही है? अब मुझे इतना बताना मेरे बच्चों, मेरे बच्चों मुझे इतना बताना, हम क्या बना रहे हैं? हम क्या सीख रहे हैं इस वक्त? क्या बनाना सीख रहे हैं? कैशबुक। कैशबुक, कैशबुक में कौन सी एंट्री होती है? कैश वाली और बैंक वाली। कैश वाली और बैंक वाली। कि यहाँ पर कैश या बैंक है इस वाली एंट्री में? कैश या बैंक डेबिट क्रेडिट हो रहा है इस वाली एंट्री में? इस वाली एंट्री में देख, नहीं है, नहीं है ना इस वाली एंट्री में। तो चेक, तो ये वाली एंट्री जाने वाली नहीं है, लेकिन हाँ इसमें बैंक है, ये वाली एंट्री जाएगी। और बैंक क्या हो रहा है? डेबिट। बैंक क्या हो रहा है? डेबिट। तो बैंक को क्या कर दो? डेबिट। किस नाम से? क्रेडिट का नाम लिख दो, टू चेक इन हैंड। क्लियर है? बैंक में कितने रुपए मेरे बेटा जी? 60,000 रुपए बैंक डेबिट हो रहा है जनवरी की 7 तारीख। जनवरी 4 आएगी नहीं, एंट्री तो मैंने बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें, एंट्री सीधे जनवरी 7 की डालनी है इसके अंदर।
हाँ बेटा बोलो क्या कह रही है ईवी का। सर मुझे एक चीज समझ नहीं कि हमने यहाँ पर सी क्यों लिखा है। ये हाँ बेटा सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है कि वो इसका एक इफेक्ट डेबिट में पड़ा हुआ है और इफेक्ट क्रेडिट में पड़ा हुआ है। कई बार हम क्या करते हैं डेबिट करना भूल जाते हैं। मैंने बैंक को तो डेबिट कर दिया, कई बार कैश को भूल गया, तो कई बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है हमें कि इसका सेम पार्ट वहां पर है या नहीं है। ये हम सी सी लिख देते हैं। ऐसे क्या होता है सी और सी ये मैच कर गई और डेट देख लेते हैं सेम डेट का सी कितने हैं। समझे कि नहीं समझे बताओ। हैं आ गया समझ। चलो जी भैया एलएफ पेज नंबर की तरह ही तो होता है। एलएफ पेज नंबर की तरह होता है। मैंने अभी तक ये रीजन नहीं बताया, बताऊंगा मैं बार बार भूल रहा हूँ। मतलब मंथ आई ट्रैवल से बता दूंगा रीजन, बताऊंगा एलएफ और जीएफ में कैसे डेट पेज नंबर भरे जाते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है अब आ जाओ जनवरी 10 में क्या लिखा है। अच्छा एक बात और समझ लो, जनवरी 4 में चेक आया है बट बैंक में नहीं गया और जनवरी 7 में चेक बैंक में चला गया। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो रही है। अगर जनवरी 7 ना दे रखी होती, सुन लो, अगर जनवरी 7 ना दे रखी होती, खाली जनवरी 4 वाली एंट्री दे रखी होती कि खाली चेक मिला, अब वो चेक बैंक में गया नहीं गया कुछ पता नहीं है, आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, दो चार ट्रांजेक्शन आगे की पढ़ लिया करो, कुछ पता ही नहीं है हमें वो चेक गया, तो आप सीधे एंट्री बैंक के थ्रू लगाओगे। आप ये मान लोगे कि जनवरी 4 में चेक आया और जनवरी 4 में वो चेक बैंक में भी चला गया। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है। क्लियर है भैया। चलो जी अब आते हैं जनवरी 10 क्या लिखा है। ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट 2000। हमने रतन एंड कंपनी को चेक के थ्रू पेमेंट करी भैया 2000 रुपए की, 2000 का डिस्काउंट दिया भी लिया, 33000 रुपए की पेमेंट है। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, भैया पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, जाएगा तो क्या लिख दो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री बना के देख लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही आएगी एंट्री बाय रतन एंड कंपनी। चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो ना तो पैसा कहाँ से घटेगा, बैंक से घटेगा। कहाँ से घटेगा मेरे बेटा जी, बैंक से घटेगा, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो। ये आ गया तुम्हारा जनवरी 10 भैया, वो डिस्काउंट नहीं आएगा। बेटा ट्रिपल कॉलम में डिस्काउंट की एंट्री होती है, डबल कॉलम है, यहाँ पे एंट्री नहीं होने वाली। कई बच्चे यहाँ पर ना 33000 में 2000 घटा के 31000 लिखते हैं। अरे मेरे बेटा क्वेश्चन बकायदा लिखा है कि हमने पेमेंट करी है 2000 के डिस्काउंट के बाद 33000 रुपए की, इसका मीनिंग समझा करो। यानी कि टेक्निकली हमें पेमेंट करनी थी 35 की, 2000 का डिस्काउंट लेकर हमने कितना पे कर दिया 33। बच्चे उसमें से टोटल जो बिल बैठा 35 का था। जी बेटा चलो जी अब आते जनवरी 12 में क्या लिखा है मेरे बेटा जी। तृप्ति एंड कंपनी पेस इनटू द बैंक अकाउंट, मतलब तृप्ति एंड कंपनी को हमारे कस्टमर थे उन्होंने पे करा, उन्होंने हमको पे करा सीधा हमारे बैंक के अंदर। तो भैया अपन के पास पैसा आ रहा है लेकिन हमारी जेब में नहीं आ रहा, हमारे डायरेक्ट बैंक में आ रहा है अकाउंट। जनवरी 12 टू कौन दे रहा है, तृप्ति एंड कंपनीज अकाउंट, ठीक है ना, सीधा बैंक में। तो बैंक को डेबिट करो, तो पैसा आ रहा है डेबिट करो, कितने कितने रुपए भैया 47500। हाँ जी क्या मेरी बात क्लियर हो गई। ठीक है यस सर। चलो जी उसके बाद बढ़ते हैं मेरे बेटा जी आगे। ठीक है जनवरी 12 क्या लिखा है, ही रिसीव चेक फ्रॉम वारसी एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 3500। वही वाली बात हो गई, अब हमारे पास चेक आया है किससे, वारसी से चेक आया है, ठीक है, और हमने उसे डिस्काउंट दिया कितने रुपए का 3500 रुपए का। एक काम और करो, इसके जनवरी 20 वाली एंट्री और पढ़ो क्या लिखा है। ही रिसीव कैश 7500 एंड चेक 10000 फॉर सेल। क्लियर है, ही रिसीव कैश ₹7500 एंड चेक 10000 फॉर सेल। अब जनवरी 25 भी पढ़ो क्या लिखा है, थोड़ी आगे की और पढ़ लो। ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव ऑन 15th एंड 20th जनवरी ₹1,00,000। ये जो कनेक्टेड एंट्री है ना इनके बारे में बात करते हैं, ये क्या है, ठीक है एक। हाँ जी तो जनवरी 15, 20 और 25 ये एंट्री है, आ जाओ इनके जल एंट्री भी बनाते हैं, समझने के लिए जल एंट्री सी बनाना बहुत जरूरी है नहीं तो समझ में नहीं आने का। देखो जी पेन का कलर फिर चेंज कर लेता हूँ,
पहले बात करते हैं जनवरी 15 की। देखो जी, जनवरी 15 में क्या लिखा है? जनवरी 15 में लिखा है कि भैया आपको चेक मिला है वारसी से और हमें डिस्काउंट दिया है 3500 रुपए का, 45,000 का चेक आया है। अच्छा, अब एक काम और करूं, जनवरी 15 में चेक आया है और जनवरी 20 पढ़ो, जनवरी 20 में कैश भी आया है और चेक भी आया है 10,000 का, क्लियर है? अच्छा जी, सेल करने के लिए। और जनवरी 25 में क्या करा है आपने? आपने बैंक में जमा कर दिया, क्या जमा कर दिया? 1,00,000 रुपया। लेकिन उस 1,00,000 के अंदर 15 और 20 तारीख वाला चेक था। देखो, 15 तारीख में चेक आ रहा है वारसी से, 20 तारीख में चेक आ रहा है 10,000 का सेल करने पर। ये दोनों चेक बैंक में कब जा रहे हैं? 25 तारीख में जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? 25 तारीख में। यानी कि जिस दिन चेक आए ये चेक, उस दिन बैंक में नहीं जा रहे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ जी, क्लियर हो रही है वाली बात? रिसीवर गिवर कम्स इन गोज आउट एक्सपेंस और इनकम। अब सोचो, अगर मैंने चेक, मेरे पास चेक आया वारसी से, वारसी हुआ गिवर, मैं हूँ रिसीवर, मानूंगा नहीं। कुछ आ रहा है, यस चेक आ रहा है, कुछ जा नहीं रहा, लेकिन खर्चा है क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया है। अब डेबिट में राइट कहाँ पर है? कम्स इन, क्या आ रहा है? आ रहा है चेक, लेकिन ये चेक बैंक में नहीं जा रहा। तो क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डेबिट में एक राइट और है, क्या? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्रेडिट में राइट कहाँ पर है? गिवर, गिवर कौन है मेरे बेटा जी? वारसी अकाउंट, ठीक है। अब बताओ कितने रुपए का चेक आ रहा है तुम्हारे पास? 15 तारीख बढ़ो, 45,000 रुपीज का। कितने का आ रहा है मेरे बेटा जी? 45,000 रुपीज का चेक आ रहा है और 3500 का डिस्काउंट, जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट, 48,500। क्लियर है मेरी बात? चलो जी, अब आता है जनवरी 20। जनवरी 20 में क्या आ रहा है? सेल करी है तो कैश मिला है, चेक मिला है, कम्स इन गोज आउट एक्सपेंस इनकम। अब सेल करी है तो यहाँ पे रिसीवर की बार कोई नहीं है क्योंकि नाम नहीं दे रखा, पैसा आ रहा है, गुड्स जा रहा है। अब कम्स इन में डेबिट, डेबिट में राइट कहाँ पर है? कम्स इन, क्या क्या आ रहा है भैया? थोड़ा तो कैश आ रहा है और बैंक भी आ रहा है, मतलब पैसा दो जगह आ रहा है, दो जगह बट के आ रहा है, डन है। और टू गोज आउट, क्या जा रहा है? गुड्स, क्योंकि सेल करी है हमने, ठीक है। 7500 का कैश लिखा हुआ है, 10,000 का बैंक में चेक लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बैंक नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि ये चेक सीधा बैंक में नहीं गया। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा मेरे बेटा जी? चेक इन हैंड। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो बोल दो यस सर। दोनों जगह चेक इन हैंड आया क्योंकि बैंक में नहीं गए हैं। अब क्या होगा? अब आया ब्रह्मास्त्र, जनवरी की 25 तारीख आपने बैंक में जमा कराया, तो बैंक वाले कौन हो गए? रिसीवर। हम हो गए गिवर, मानेंगे नहीं, कुछ आ नहीं रहा बल्कि पैसा जा रहा है, ना खर्चा है ना इनकम है। अब रिसीवर कौन है? बैंक। बैंक क्या हो गया? रिसीवर। बैंक को कर दिया डेबिट, क्लियर है? अच्छा जी, क्रेडिट में राइट कहाँ पर है? गोज आउट, क्या जा रहा है? चेक इन हैंड जा रहे हैं जी, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड जा रहे हैं। अब दिमाग लगाना जरा मेरे बेटा, दिमाग लगाना। क्वेश्चन में बकायदा लिखा है, पढ़ लो, जनवरी 25 पढ़ लो, जनवरी 25 पढ़ो, क्या लिखा है? ही पेज इन टू बैंक, हमने बैंक में कितना जमा कराया है? 1,00,000 रुपए लिखा है, 1,00,000, 1,00,000 जमा कराए हैं। अच्छा जी, जिसमें 15 तारीख और 20 तारीख वाला चेक था। अरे भैया, 15 और 20 के चेक कितने थे? एक चेक था 45 का और एक चेक था 10 का, तो 45 और 10 कितने हो गए भैया? चलो 1,00,000 में 55,000 तो चेक वाले जमा हो गए। अभी भी कितने बचे जमा करवाने? 45। वो क्या दिया है आपने? कैश। क्या विरोध क्लियर हुई? आपने बैंक में 1,00,000 रुपए जमा करे जिसमें 55,000 के चेक हो गए, बाकी क्या बचा? 45, वो तुमने कैश जमा करवाया होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है भैया, क्लियर है ना। चलो जी, अब मैंने क्या बोला था, हम एंट्री कौन सी डालते हैं? कैशा बैंक वाली। यहाँ पे कैशा बैंक नहीं है, ये एंट्री नहीं होगी, यहाँ पर कैश है, सिर्फ कैश है। तो कैश क्या हो रहा है मेरे बेटा जी? डेबिट। तुरंत क्या करो, कैश को कर दो डेबिट, नाम लिख दो क्रेडिट वाले का, सेल का। जनवरी 20 यहाँ लिख देता हूँ,
जनवरी 20 टू सेल, जनवरी 20 में सेल करने में थोड़ा कैश भी आ रहा था, ठीक है, बैंक कुछ नहीं आ रहा, सही है। अच्छा जी, और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, बाकी कुछ नहीं, यहाँ पर बैंक डेबिट हो रहा है और ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, यहाँ पे बैंक भी और कैश भी है। तो देखो पहले बैंक को डेबिट करो 1,00,000 रुपये, बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक को करा डेबिट, नाम लिखे क्रेडिट वाले का, और क्रेडिट में दो नाम है मेरे बेटा जी, टू चेक इन हैंड भी है ना, और टू कैश भी है। अच्छा, बैंक डेबिट हो रहा है 55,000 से इसकी वजह से और 45,000 रुपये इसकी वजह से, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ ये ना, ये होगी जनवरी की, क्लियर है, जनवरी की 25 तारीख, जबकि जनवरी की 25 तारीख में तुमने क्या करा हुआ है, कैश को क्रेडिट करा हुआ है, तो नाम किसका लिख दोगे, डेबिट वाले का, यानी कि बैंक का, क्लियर है, कितने रुपए, 45,000 रुपए। अच्छा ये कौन सी एंट्री हो गई, बट ऑब्वियस है बैंक और 45,000 की एंट्री कौन सी है, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई जनवरी 25, तो क्या बैंक में फर्क पड़ रहा है, कैश में फर्क पड़ रहा है, क्या मेरी बात क्लियर हुई बेटा, बोलो ना, क्लियर है भैया, चलो हाँ भैया। अब जनवरी 27 क्या लिखा है, ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेज, हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी है क्योंकि हमने परचेज करा है, ऑब्वियस बात है परचेज करने से पैसा जाएगा, कौन सी डेट है, डेट नहीं देखी मैंने, डेट थी जनवरी जनवरी 27 और रुपए 27,500, जनवरी 27 बैंक 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 बैंक, हाँ जी, और हमने परचेज करा है ना, तो क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस, गुड्स आ रहा है और चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, चेक के थ्रू कर रहे हैं पेमेंट, परचेज, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, जनवरी 30 ही पे सेंडरी एक्सपेंसेस इन कैश, सेंडरी एक्सपेंस पे करे गए हैं बेटा, सेंडरी एक्सपेंस जनवरी, जनवरी कौन सी थी, जनवरी 30 थी, 30 ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय सेंडरी एक्सपेंस अकाउंट, डन है, कैश में पे करें, कितने रुपए, 5,000, पैसा जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट। नाउ जनवरी 30 ही पेस जॉन एंड कंपनी इन कैश, हमने जॉन एंड कंपनी को कैश पेमेंट करी है और डिस्काउंट कितना दिया है, ठीक है, 3,500 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो बट हम पे कर रहे हैं ना कैश में, तो पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाले को क्रेडिट कर दो, डिस्काउंट से मतलब है ही नहीं। जनवरी 30 कितना दे रहे हो कैश में, देखो लिखा होगा यहाँ पर 37,500, कितना लिखा है मेरे बेटा जी, 37,500, डन है। नाउ नेक्स्ट, जनवरी 31 ही पेज ऑफिस रेंट बाय चेक, हमने ऑफिस रेंट पे करा है चेक के थ्रू, ठीक है ना, जनवरी 31 ऑफिस रेंट पे करेंगे तो पैसा जाएगा, बाय ऑफिस रेंट अकाउंट, वो भी क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसके थ्रू पे करा है, इन इन बाय चेक 20,000, चेक का पैसा कहाँ से कम होता है, बैंक से, तो बैंक से एंट्री मार दी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखा है जनवरी 31 अगेन 31 ही ड्रॉ अ चेक फॉर पर्सनल यूज, हमने उसने एक चेक लिखा खुद के यूज के लिए, बताओ अगर मालिक खुद के यूज के लिए कुछ भी निकालते हैं तो तुम उसे क्या कहते हो, ड्रॉइंग, बेटा बोलो, ड्रॉइंग 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 है ना, और ड्रॉइंग करने से पैसा जा रहा है, क्योंकि बंदा चेक लिख रहा है तो वो पैसा कहाँ से कटेगा, बैंक से, क्लियर है, कितने रुपए हैं, 25,000 रुपये, चलो जी। उसके बाद क्या लिखा, अगेन जनवरी 31 ही ड्रॉ अ चेक, सॉरी ये तो हो गया, ही पे स्टाफ सैलरी बाय चेक, उन्हें सबकी सैलरी पे कर दी, ही पे ऑफिस, सॉरी मैं गलत हो गया ना, ही पे स्टाफ सैलरी बाय चेक, चेक के थ्रू सैलरी पे कर दी 30,000 की, तो क्या होगा मेरे बेटा जी, ये आएगा बाय सैलरी, पेमेंट हो गई कितने रुपए की, 30,000 रुपए की, जनवरी 31। उसके बाद क्या रहा है, ही ड्रॉ अ चेक फॉर ऑफिस यूज, अब ये है मेन बात, पहले था चेक लिख रहा था खुद की यूज के लिए, जिसे तुमने नाम क्या दे दिया, जिसे तुमने नाम क्या दे दिया बताओ, खुद की यूज से,
सर आपकी आवाज बहुत खटक खटक क्या आ रही है। अच्छा मैं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि बंदे ने पहले चेक लिखा था खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो अगर वो पर्सनल यूज के लिए चेक लिख रहा था तो तुमने उसे नाम क्या दिया था? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ बोलो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ही ड्रॉ अ चेक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए चेक लिखा गया है, यानी कि हम बैंक में जाएंगे। आवाज क्यों कट रही है? नेट तो बहुत अच्छा आ रहा है यार। हाँ अब तो आ रही होगी, अब क्लियर है। चलो अब क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर उन्हें चेक लिखा है खुद के यूज के लिए, सॉरी ऑफिस यूज के लिए, यानी कि ऑफिस में पैसा आएगा, ऑफिस में पैसा आएगा और बैंक से पैसा जाएगा। इसे बोलेंगे कॉन्ट्री एंट्री अगेन। जनवरी 31 कितने रुपए? 40। तो क्या होगा? ऑफिस से पैसा निकाल के, सॉरी बैंक से निकाल के ऑफिस में लेकर आएंगे, तो कैश आएगा और बैंक से माइनस कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और बैंक क्या क्या लिख दोगे? कैश अकाउंट। ये कौन सी एंट्री होगी मेरे बेटा जी? कॉन्ट्रा। क्लियर है? जनवरी 31 चले। अब इसके बाद क्या लिखा है? अगेन जनवरी 31, नीचे से छठी है, ही परचेज स्टेशनरी इन कैश, 2500 रुपए की स्टेशनरी परचेज करिए कैश में, तो क्या लिखेंगे? बाय स्टेशनरी अकाउंट इन कैश 2500 जनवरी 31। उसके बाद क्या लिखा है नीचे से पांचवी? नहीं, हाँ नीचे से पांचवी, ही परचेज गुड्स फॉर कैश 12500, हमने 12500 की गुड्स परचेज करे कैश में। गुड्स परचेज करना क्या कहलाता है? पैसे का जाना। जनवरी 31 वो भी कैश में, पैसा कैश के थ्रू जाएगा। एंड नाउ नीचे से चौथी, ही पेस जगपाल बाय चेक फॉर कमीशन। जगपाल कोई बंदा होगा जो हमारे कमीशन पे काम करता होगा, उसको हमने कमीशन के थ्रू पेमेंट करी है। कितना कमीशन है? 30,000 रुपए का। तो मेरे बेटा पैसा जाएगा बाय चेक, या बाय जगपाल मत लिखना, कमीशन लिखना, फिर खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है कमीशन का, चेक के थ्रू, यानी कि ये जनवरी 31। उसके बाद क्या लिखा है? जनवरी नीचे से तीसरी पढ़ो, क्या लिखा है? ही इशूड चेक टू राम सरन फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस, हमने चेक इशू करा है राम सरन को क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा था ऑफिस के लिए, ऑफिस में, पर्सनल यूज नहीं है, ड्राइंग नहीं है, तो हमारा फर्नीचर आ रहा है और हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं 157,500 की। तो भैया चेक की पेमेंट कर रहे हैं तो चेक मतलब बैंक में से पैसा कटेगा, और यहाँ क्या लिखोगे? बाय फर्नीचर, राम सरन में लिख देना, बाय फर्नीचर डेबिट वोट कर दी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनेगी इसकी। सेकेंड लास्ट, ही रिसीव चेक फॉर कमीशन फ्रॉम रघुवीर एंड कंपनी एंड पेज द सेम इन टू बैंक, मतलब भैया हमको मिला है चेक 50,000 का, चेक मिला है, देख लो अभी एंट्री चेक इन हैंड के थ्रू नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे बकायदा लिखा है कि तुम्हें जो चेक मिला है वो कमीशन का मिला है, कमीशन लिखना इनकम हो गई, और सीधा वो चेक सीधा कहाँ गया है? बैंक में भी जमा हो गया है, सीधा बैंक में एंट्री मार देना जनवरी 31। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैश सेल 45,000 रुपये, हमने कैश में सेल करी है, सेल करने से पैसा आएगा 45,000 रुपये जनवरी 31। मेरे बेटा बोलो आया या नहीं आया? आ गया भैया। हाँ स्पर्श आया? हाँ भैया आ गया। अब देखो क्या करना है, पहले कैश का डेबिट वाला टोटल कर लो, 20,75,000, 40,000, 45,000, भैया ये आ रहा है, मैं कैश वाले लिख रहा हूँ,
20,92,000 500, ठीक है। अब बैंक का कर लो टोटल ऐसी भैया 21,57,500 कर दिया। हाँ ये देख के बोल रहे कहीं से कैलकुलेटर लेके बैठा है? नहीं कैलकुलेटर है। हाँ कितना बोला तूने 21,57,500। चलो भैया अब ऐसे ही क्रेडिट का लगवा मेरे साथ, मैं कैश का कर रहा हूँ 19,45,5,37,500 और योगी तुम्हारा 2,500, योगी तुम्हारा 12,500। तो मेरे बेटा कैश का आ गया 20,25,000 और बैंक का 33,27,500 20,25,70,30 157,500 ये आपका आ रहा है 3,67,000। ये क्लियर है? ये जो मैं टोटल लिख रहा हूँ ऐसा आपको ऊपर नहीं लिखना, गलती से मत लिख देना। अब मुझे बताओ याद है मैं क्या क्या कहता था? ये तो हमने करी कास्टिंग, अब करेंगे जनवरी की लास्ट डेट, बाय बैलेंस सीडी कितना बच गया पैसा, याद है? दोनों साइडों को बराबर करनी, एक सीध में बराबर करना, एक सीध में टोटल 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 और टोटल बिल्कुल एक सीध में बराबर करना। मेरे बात क्लियर हो गई? अब देखो कैश का, कैश को कैश से कंपेयर करो, बैंक को बैंक से। कैश का डेबिट टोटल कितना आ रहा है 20,92,500 और कैश का क्रेडिट कितना आ रहा है 20,25,000। यानी कि यहाँ पर ये वाली साइड कम है, सीडी यहाँ आ जाएगा, मतलब बैंक हमारे कैश बैलेंस तिजोरी में 90,000 रुपए बच रहे हैं, जो कि बैंक में देखो बैंक में 21,57,500 माइनस कितना गया 63,000 कह लो, मतलब एक तरीके से हमारे बैंक में कितना बच रहा है 17,70,94,500। अरे सीडी करना आया नहीं आया? आ गया। अब टोटल लगा दो, टोटल बराबर ही आएगा दोनों साइडों का, कितना आएगा 20,92,500 20,92,500 डन है। और उसके बाद क्या है मेरे बेटा जी 21,57,500 ये आएगा 21,57,500 ये हो गया बैलेंसिंग, बराबर हो गया, ठीक है। अब जनवरी के बाद क्या आएगा फरवरी, लिख दो फरवरी की पहली तारीख, सीडी का बीडी इधर बना दो, बीडी मतलब फरवरी की पहली तारीख में हमारे पास कैश था इतना और बैंक बैलेंस था इतना, और फिर अगेन वही शुरू हो जाएगा आना और जाना, फिर सीडी एंड बीडी टोटल। हाँ जी क्लियर हुआ? हो गया भैया। यस सर। हाँ भैया जल्दी बोलो, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा जल्दी तो घर के लिए ग्रुप पे भेज दूंगा। हाँ जी क्लियर है? एक सेकंड yes, स्क्रीन ले रहा हूँ पूरा। हो गया। चलो जी ठीक है फिर, आज के लिए धन्यवाद। टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत।